प्रति सन माइक बताना हुआ और कल सोमनाथ मंदिर जाके दर्शन करेंगे और उसके बाद राजकोट में व्यापारियों के साथ संवाद होगा। गुजरात के लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है इसका, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत शुभकामनाएं समझता हूँ। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो बार बार आप चुनाव आ रहे हैं और जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, जिस तरह से जनता का विश्वास मिल रहा है, दिल्ली में जो अच्छे काम हुए हैं उन अच्छे कामों की चर्चा चारों तरफ है। गुजरात की जनता भी चाहती है कि बिजली फ्री होनी चाहिए, बिजली बहुत महंगी है यहाँ पे, स्कूल अच्छे होने चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, इलाज अच्छा होना चाहिए। तो जो जो काम हमने दिल्ली में किए उसकी चर्चा वहाँ पे है, वो बदलाव चाहते हैं। 27 साल हो गए सर, जो जाहिर आपने जो किया था रिक्लिनिक देने के बाद, उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से श्रीलंका और रेवड़ी की बात हो रही है, ये क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जनता को तो फ्री बिजली मिलनी चाहिए, अगर नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसको फ्री रेवड़ी बोलना सही नहीं है, इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई के ज़माने में नेताओं को तो फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से, नेताओं को तो 3-3, 4-4 हज़ार यूनिट महीना उनको फ्री बिजली मिलती है। अगर हम कहते हैं जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए तो उनको मिर्ची लगती है नेताओं को, पता नहीं ऐसे क्यों मिलनी चाहिए। सर, गुजरात में कई डिस्ट्रिक्ट में आज दारू का गोरा हुआ है, कई लोग मर गए। ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नशाबंदी है यहाँ पे गुजरात के अंदर, दारू अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग जानते हैं कि इलीगल दारू कितनी ज़्यादा बिकती है। तो कौन है ये लोग जो इलीगल दारू बेचते हैं? जाहिर तौर पर राजनीतिक संरक्षण है उन लोगों को, और इसका सारा पैसा कहाँ जाता है, कौन इसके इसका माई बाप है इसके, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। गांधी जी के जन्मस्थल पर खड़े हैं, क्या मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। अभी पोरबंदर में गांधी जी के जन्म स्थान पर खड़ा हूँ और गांधी जी से हम प्रेरणा लेते हैं।